डायलर को ओपन करने के बाद आप आपका नंबर डायल करोगे, जो भी आपने रखा होगा सेट, उसके बाद में डायरेक्टली आपका जो हिडन एप्स है वो ओपन हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना लूँ कि आप किसी भी फोन में आपके फोन के डायलर में ऐप को कैसे ऐड कर सकते हो, यानी कि आप डायलर को ओपन करोगे, डायलर को ओपन करने के बाद आप आपका नंबर डायल करोगे, जो भी आपने रखा होगा सेट, उसके बाद में डायरेक्टली आपका जो हिडन एप्स है वो ओपन हो जाएगा। अगर आपको भी ऐसी सेटिंग करनी है तो चलिए आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखो, अगर आपको भी आपके किसी भी ऐप को आपके डायलर में छुपाना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपके फोन की जो सेटिंग का ऐप होता है उसे ओपन कर देना है। तो यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ। तो अब आप जैसी सेटिंग्स को ओपन करते हो, आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर स्क्रोल करना है। स्क्रोल करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा जो कि होगा प्राइवेसी का। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो प्राइवेसी का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके बहुत सारे ऐप्स ओपन हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ये वाला, तो ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर हाइड ऐप्स का, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप हाइड ऐप्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पर आपको आपके फोन का जो प्राइवेसी पासवर्ड होगा उसे सेट कर देना है। तो फिलहाल के लिए मैं 00 सेट कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर यूज वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर एक बार आपका पासवर्ड सेट कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है कोई भी टीचर का नेम। ये इसीलिए होता है क्योंकि अगर आप प्राइवेसी पासवर्ड को भूल जाओ तो उसे रीसेट कर सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ। अब जैसे लिख दोगे उसके बाद में आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपका जो ऐप है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा हाइड ऐप्स। हाइड ऐप्स में आपको क्या करना है, अब जो भी ऐप को आपको छुपाना है उस ऐप को सिलेक्ट कर देना है। तो फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम को टिक कर देता हूँ और हम यहाँ पर व्हाट्सएप को भी टिक कर देता है। तो हमारे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ये दोनों ऐप जो है वो हमारे हाइड हो जाएंगे। तो अब जैसे आप सिलेक्ट करोगे, तो यहाँ पर अभी तो मैंने दूसरी बार अपने हाइड ऐप को सिलेक्ट किया है, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम करोगे ना तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि एक्सेस कोड को आपको सेट करना है। और एक्सेस कोड को आपको कैसे सेट करना है, तो उसके पहले आपको हैशटैग लगाना है और उसके बाद में आपको हैशटैग लगाना है और उसके बीच में आपको जो भी कोड लगाना होगा उस कोड को लगा देना है। तो आपका जो हाइड ऐप है वो हो जाएगा। अब जैसे ही मैं बैक करता हूँ तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो इंस्टाग्राम का ऐप था वो और हमारा व्हाट्सएप का ऐप जो है वो हट चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर आप हाइड ऐप को देखोगे कैसे। तो अगर आपको भी आपने जिस ऐप को छुपा है उसे देखना है तो उसके लिए आपको जो है डायलर को ओपन कर देना है। डायलर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका यहाँ पर कोड को एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो हैशटैग लगाना है, उसके बाद में आपने जिस भी कोड को सेट किया होगा उस कोड को लगाना है। तो मैंने यहाँ पर 00 सेट किया था, तो मैं 4 बार 0 लिख देता हूँ। फिर एक बार आपको हैशटैग लगाना है और आपको डायरेक्टली यहाँ पर दिखाई देगा हिडन ऐप्स, और ये आप देख सकते हो कि हमारे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम दोनों के दोनों हाइड हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।